गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं से प्रभावित हुए इलाकों में प्रशासन स्वास्थ्य, स्वच्छता और बिजली की बहाली के लिए तेजी से काम कर रहा है। बिजली समस्याओं को दूर करने के लिए पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसमें उन्हें राजकोट से 20 ठेकेदारों की टीमों का सहयोग मिल रहा है और कुल 50 टीमें बिजली को फिर से बहाल करने में लगी हुई हैं। हमारे रिपोर्ट के अनुसार टोटल 1100 पोल और 35 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए थे, तो वो उस दिन हमारे टोटल 50 टीम काम कर रही थी। और हमारा चीफ इंजीनियर श्री आरजे भाड़ा सर के गाइडेंस के नीचे जल्दी ही जल्दी हमने गांवों के बिजली सप्लाई का काम पूरा कर दिया था। और अभी खेती एजी फीडर है हमारा, जो खेती बाड़ी फीडर, उसमें जो डैमेज हुआ था उसका काम भी 70% काम पूरा हो गया है और 30% अभी बाकी है, वो काम भी हम जल्दी ही जल्दी पूरा करवा देंगे। और हमारा जो कस्टमर है उसको कम से कम तकलीफ होगी, ऐसा प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। ये सभी टीमें तेजी से बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कर रही हैं। उनके प्रयासों से नागरिकों की मुश्किलें कम हो रही हैं और जल्द ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने की उम्मीद है। बारिश के बाद प्रशासन द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई उनकी सतर्कता को दर्शाती है, जिससे आमजन को काफी राहत मिल रही है।